नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों बहुत ही बड़ी बुरी खबर आ रही है और बहुत ही बड़ा झटका लग चुका है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन दिया है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप जो है IPL की खबरें सबसे पहले देख पाए। दोस्तों बहुत बड़ा झटका लग चुका है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को, क्योंकि दोस्तों कोलकाता के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क जो है वो पूरे IPL से बाहर हो चुके हैं। दोस्तों आप सभी ने जो है बिल्कुल सही सुना है, मिचेल स्टार्क जो है बोन इंजरी हो गया है, मतलब कि जो मिचेल स्टार्क थे उनके राइट घुटने में जो है उनको इंजरी हो गया है, जिसके चलते जो है मिचेल स्टार्क जो है साउथ अफ्रीका की सीरीज से भी बाहर हो चुके हैं और IPL 2018 से भी पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं। दोस्तों ये जो बोन इंजरी है, दरअसल ये जो है किसी भी फास्ट गेंदबाज को हो सकती है, क्योंकि मिचेल स्टार्क जो है काफ़ी तेज़ गति से गेंदबाजी करते थे, जिसके चलते जो है उनके राइट घुटने में जो है इंजरी हो गया है और वो जो है अपने देश ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए हैं। साउथ अफ्रीका के सीरीज से भी बाहर हो चुके हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से भी पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं। दोस्तों ये जो है बहुत बड़ा झटका लगा है कोलकाता की टीम को, क्योंकि मिचेल स्टार्क जो थे ये साल कोलकाता की गेंदबाजी लाइनअप की कमान संभालने वाले थे, लेकिन अभी दोस्तों दुर्भाग्यवश कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को मिचेल स्टार्क का रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों एक बात तो साफ़ है कि जो कोलकाता की टीम है उसको जो है मिचेल स्टार्क की कमी ज़रूर से खलने वाली है, चाहे वो किसी भी खिलाड़ी को रिप्लेसमेंट के तौर में क्यों ही ना ले ले, क्योंकि दोस्तों मिचेल स्टार्क जो थे दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज थे और कोलकाता की टीम को बहुत उम्मीदें थी मिचेल स्टार्क से। दोस्तों अभी देखते हैं कोलकाता की टीम मिचेल स्टार्क के बदले किस खिलाड़ी को लेती है एज अ रिप्लेसमेंट। अगर आगे इसके बारे में कोई भी खबर आती है तो आपको जो है सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।